क्या बताऊं सीन के बारे में. सबसे पहले तो बेचारे लड़कों की हालत ऐसी आप देख रहे हैं हमारे, इतना ही मनाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी थप्पड़ खा रहे हैं, कभी धक्का खा रहे हैं, कभी भगाए जा रहे हैं, कभी मुंह पे दरवाज़ा बंद कर देते हैं. तो बेचारे जय के साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा है कि जब से वो बेचारा गुड बॉय बना है, अच्छी तरह बात करने की कोशिश करता है, तो उसके साथ कुछ ना कुछ आत्या कर रही है. पर वो भी गलत नहीं है, उसकी साइड से काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है. उसके डैड के साथ काफ़ी बुरा हुआ, उनका चोट लग गई और मैच फिक्सिंग लग गया उनके ऊपर. तो जय और आध्या दोनों की लाइफ में काफ़ी कन्फ्यूजन, डिस्टर्बेंस, मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत कुछ चल रहा है और वो बेचारी प्रपोज नहीं कर पा रही जय को. आई डोंट नो, मतलब वैसे देखा जाए तो आपस की रिलेशनशिप की मिसअंडरस्टैंडिंग है, बट अगर वैसे एज अ व्यूअर आप लोग देखते हैं तो रूपा है, ऐश है, सम्राट है और भी पता नहीं कौन कौन है, सब पीछे लगे हैं इन दोनों के कि यार नहीं, इन दोनों को प्यार नहीं होना चाहिए. हाँ, बहुत सारे ले चुका हूँ ऑलरेडी और भी आज और भी क्या क्या पता नहीं क्या क्या बनने वाला हूँ. उसके घर पे एंट्री लेने के लिए मैं क्या क्या बन रहा हूँ अभी. आप देखें, देखते रहिए इंटरनेट वाला लव, उसमें नए नए लुक्स आपको जय के दिखते रहेंगे. आध्या को देखो, सबसे होता है अच्छा कि अगर तुम्हारी गलती है तो दिल से सॉरी बोल दो, और अगर सॉरी नहीं बोल सकते तो कोई गिफ्ट दे दो. और अब पता नहीं, अब तो दोनों चीज़ें ट्राई कर ली हैं, अभी तो मान नहीं रही, तो अब देखता हूँ अब क्या ट्राई करूँ उसके लिए. अब गुस्सा करना पड़ेगा शायद उसको. थैंक यू सो मच. बट थैंक यू सो मच. थैंक यू.